कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? तो दोस्तों हाँ, यह सत्य है। मृत्यु के समय ही मस्तिष्क शरीर से अलग होता है, इसलिए उस समय जो भी छवि इंसान मन में रखता है वह अगले जन्म का कारण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। आप यह स्वयं देख सकते हैं। यदि आप ध्यान दें, सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वह वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण नाम का जाप करना याद भी ना आए। इसीलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो उनका नारायण नाम लेकर। हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो, जब आप स्नान करो, भोजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो प्राप्त हुए भोजन के लिए। कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें एक शुभ आरंभ के लिए। प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया था। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है नाम स्मरण। हम सब यह करते हैं, है कि नहीं? हम यह आज भी करते हैं। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या वृद्ध, पर वे भय के कारण ऐसा करते हैं। मैं कहूंगा कि भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम भाव से प्रार्थना करिए, एक गहरे आभार के भाव से। जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब आप खिल उठते हैं। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? आप ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जाप से कर सकते हैं। इस कलयुग में एक बहुत ही सरल सुंदर साधन है जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह उपाय यह है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना, उनके नाम को लेना, क्योंकि अजामिल जैसे पापी ने भी भगवान के नाम को लेकर उनमें मन लगाकर अपना कल्याण कर लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों, मृत्युलोक से उन्हीं नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम को नहीं लेते, भगवान के चरण कमल में प्रणाम नहीं करते, और जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वह नर नारी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हों, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। मित्रों, आपको बता दें कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र दृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जब मगरमच्छ ने अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया तो गजेंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर तुरंत ही उसके प्राणों की रक्षा की। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान कृपा हो तो कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त होती है और हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते कहते हैं कि भगवान हमारा एक काम कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रथ विषयानुरागियों को भगवान की कोई भी कथा तृप्त नहीं कर सकती है। भगवान को नारियल, फूल, फल, मेवा, पैसे नहीं चाहिए, वे तो प्रेम के भूखे हैं। हम तो ये सब चीजें अर्पित कर देते हैं लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को सदा साथ रखना चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग ना कर दूसरे के कष्ट को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जिस तरह दर्पण की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को देखने मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही वह शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेने मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप है, जो कथा सुनते हैं उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान स्वयं देते हैं। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी हमें गीता में मिलती है। दोस्तों, कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था।
ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें देखने के कारण काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर, सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहां तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। वह कुबुद्धि से, न्याय से, अन्याय से जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया, हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धूल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो एक महापापी हूं। मैं वेश्या के साथ रहता हूं और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया और मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई, हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर, ये बता तेरे घर में कितने बालक हैं। अजामिल ने बता दिया कि महाराज नौ बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वो पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बिता और उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आशक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अजामिल अब बूढ़ा हो गया था, उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोयों खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण, नारायण, मेरी रक्षा करो, नारायण, मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, और वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासी पति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया।
उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो, कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? वेदों ने जिन कर्मों का विधान यमदूतों ने कहा किया है वे धर्म हैं, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं, यमदूतों। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मजों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन चार अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सारे तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ाढ़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं, मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है मुझे, बार बार धिक्कार है, मैं संतों के द्वारा निंदित हूं, पापात्मा हूं, मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया, मेरे मां बाप और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया, ओह मैं कितना कृतघ्न हूं, मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यमयातना भोगते हैं, कहां तो मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहां भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम, सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया, वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कहीं नहीं जाता।
यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो अजामिल, जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया, तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं, हे प्रभो, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के चराचर अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड्ढी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं इनमें मैं, इंद्र, निर्रति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारहों आदित्य, विश्व देवता, आठों वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो अजामिल, जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण गुण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमाति सुगम भगवन नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों को देखने में भी डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है, इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। साथियों, जरा सोचिए, एक गलत पासवर्ड से अगर आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला अलग तरीके से देता है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर को ही सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते मन चंचल होता है। यह इधर उधर भागता है और किसी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस कम प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हम में हां मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी।
बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ, और वह मेरे किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग हुआ और मुझे हर वह काम करना था जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे मोटा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना होता रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तकलीफों और दुख में सब्र से काम लिया करो क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है, और इंसान को तकलीफों और दुख से कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है। कभी यह भी मत सोचिए कि आप सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त ज्यादा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या मोटी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई मोटा हो या छोटा हो, वास्तव में महान तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है तब ईश्वर कोई ना कोई साथ देने वाला भेज देता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारें, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो अपने कर्मों की बात है। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान, कृष्ण कहते हैं। जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों ना लग जाए। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं,
इसीलिए दूर रहने लगे हैं जो हमारे बिना खुश है। हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो सीधा आपके सम्मान पर वार करते हैं। अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना कई लोगों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से मोटा होता है, मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन टिकती नहीं। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं। हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो वह करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो सिर्फ मरने के बाद ही होती है। जो व्यक्ति कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरुर आ जाए। वह तो कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में कोई दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु तकलीफ की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उसके लिए उस दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते, आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। बांसुरी ना स्वर्ण की होती है ना रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी मोटी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी मोटी है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठने से बेहतर होता है। जरा ध्यान कीजिए, कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे मिले रहे। खुद को खाली मत होने देना,
क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, यह हमारी भ्रांति होती है। वास्तव में बुरा तो हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का अंतिम फल हमें ही भोगना होता है। हम जो भी बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब होता है। ईश्वर के न्याय में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को याद कर लेना। एक समय की बात है, एक राज्य था, उसके राजा की सभी आसपास के राज्यों के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी। सभी का वहां आना जाना लगातार लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। कभी आभूषण हो तो कभी खाने का कुछ हो तो कभी वस्त्र इत्यादि, कुछ ना कुछ हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की आव भगत से खुश होकर राजा को एक विशेष पत्थर उपहार में दिया। राजा को वह पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने अपने मंत्री को उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति लेकर मंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास जाता है और उसको पत्थर देकर कहता है कि इससे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बना दो। इसके बदले में तुमको जो चाहिए वह मिलेगा और साथ ही 700 सोने की मोहर दी जाएगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी सभी वस्तुएं और औजार लेकर काम शुरू करता है। वह उस पत्थर पर मारने लगता है जिससे कि उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोटें मारी, पर वह पत्थर टूटा ही नहीं। अंत में एक चोट और मारकर वह कहता है, अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोटें खाने के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है, क्षमा करें, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी, राजा का आदेश जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण से मूर्तिकार के पास जाता है। जैसे ही वह मूर्तिकार उस पत्थर पर पहली चोट मारता है तो वह पत्थर टूट जाता है। पत्थर टूट गया तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दी और बदले में मंत्री ने उसे सोने की मोहर दे दी। अब वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो यह सोने की मोहर उसकी हो जाती। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा रहने देते हैं, यह सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, यह शायद मेरे लिए है ही नहीं, यह मेरी किस्मत में ही नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा। पर असलियत में आपको एक बार और करने की जरूरत है। अब एक दिन मेहनत और करने की जरूरत है, एक दिन धैर्य और रखने की जरूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे हो उसके अगली ही बार वह काम हो जाए और हम उसे त्याग देते हैं, अपने गोल्स को भी त्याग देते हैं, अपने सपनों को त्याग देते हैं, अपनी जीत को त्याग देते हैं। साथियों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाए या हार मान ले, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से पर असर दिखाती जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके फल मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाए। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वह जो सोने की मोहरे हैं ना, वह कोई और ले जाएगा। साथियों, जीवन में अगर आपको कठिनाइयां मिल रही है तो घबराइए नहीं, क्योंकि वो हमें गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही होगी। कमल को देखा है ना, गंदगी में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही तो है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए यह वजह ही काफी है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था
वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयोगी है। अगर हम श्रीमद्भगवद गीता के कुछ ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप तनाव रहित जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री राधे कृष्णा।